हमारे 130 पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो अपना रोल क्यों नहीं निभा रहे? और दूसरा, अगर हम सारा समाज जाग जाए तो हम कुछ भी कर सकते। मेरे दोस्त, ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या आज की नहीं, 3000 सालों से जिस समाज को हमेशा दबाए रखा हो उसको सिर्फ डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कलम की वजह से सिर्फ अभी 50-60 साल हुए हैं जब मौका मिला है जागने का। आप तो 800 साल से हिंदुस्तान के ऊपर राज करते रहे हो, पूरे तलवार के साथ पूरे हिंदुस्तान को एक अपने कलम के नीचे, अपनी जूती के नीचे रखा है। 27 कंट्रियों में आपके बहुत राज है, बहुत गिनती है, सब कुछ आपके हाथ में है, दुनिया की हर ताकत आपके पास, पर इस समाज के पास क्या और आज क्या है? सोच के देखो, कुछ बड़े कम गिनती में है, हजारों की गिनती में है, लाखों में भी नहीं कि हमारे कोई अधिकारी दफ्तरों में क्यों बैठे हैं, और जो बैठे भी हैं वो साइड की किसी कुर्सी में बैठे होते हैं, वो ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि कोई डिसीजन तगड़ा ले सके। आज कितने आज तक कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी स्टेट में? कितने चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी बने, कितने पुलिस कमिश्नर बने हैं किसी स्टेटों में? पूरे इतिहासकार उठा के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम मौका मिलता है किसी आदमी को ऊपर आने का। जो ही ऊपर आता है उसको खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद भी इतिहास में नाम है कि जिसको कभी मौका मिला है उसने इतिहास को बदल के रख दिया, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी के नाम पे हो, उनको मौका मिला है, इतिहास बना दिया है। मुगलों के समय ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद बनी होगी जो इतिहास में 300-400 साल बाद भी हमें याद रहती है, पर उन्होंने ऐसे ही काम लखनऊ में, नोएडा में करके दिखा दिए जो इतिहास का नाम है। जिन लोगों को पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे कि जो हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं या राष्ट्रीय नेता रहे हैं या जिन्होंने इतना कुछ करा है, उनको पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे। उन्होंने पार्कों में उनकी मूर्तियां लगाई, उनके नाम पे यूनिवर्सिटियां चलाई, उनके नाम पे चीजें शुरू करी, तो लोगों में पता लगा है। तो मैं ज्यादा कुछ ना आपको बात का आपके साथ सहमत हूँ, मगर साथ साथ मैं, क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर हो, डिबेट में जाते हो, इस समाज के बारे में थोड़ा सा सोच के देखो कि 35-40 सालों में कितनी पीढ़ियां बदली है। अभी कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी दूसरी पीढ़ी का बच्चा क्लास वन अफसर बना होगा, कि पहली पीढ़ी का भी क्लास वन बनता और दूसरी पीढ़ी का भी क्लास वन अफसर होगा, मुश्किल से परिवार का पहला बच्चा ही कोई क्लास वन अफसर बन पाता है। पर उधर जाके देख लीजिए, करोड़ों के चढ़ावा मिलने वाले मंदिर को पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मंदिर का पुजारी बनता है, वो पैसा कहाँ जाता है? रिजर्वेशन जहाँ नहीं, रिजर्वेशन सबसे ज्यादा कट्टरता से रिजर्वेशन उन मंदिरों में, उन संस्थाओं में लागू है। वो रिजर्वेशन की मांग करते हैं, रिजर्वेशन हटा दो, हटा दो, पर पूरे एक जगह नहीं हटेगी, पूरे सिस्टम में हटाओ। कांचीराम जी ने आज से 25 साल पहले जाति जोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया था। हम तो चाहते नहीं कि जाति रहे, चाहते नहीं। जब जाति नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन ही रहेगी, जब रिजर्वेशन रहेगी तो आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा भी जानबूझ के बनाया हुआ है, रखा हुआ है, ताकि बुरकी फेंकते रहो और नीचे दिखाते रहो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मिल क्या रहा है आज की डेट में? पिछले 10 सालों का, आप तो रिसर्च स्कॉलर हो, 10 सालों के इतिहास उठा के देख लो, कितने बच्चों को क्लास वन या सरकारी नौकरियां मिली हैं? सारा कुछ तो प्राइवेटाइज हो गया, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आने लग पड़े हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे आते समय जरूरी नहीं हो आपको रिजर्वेशन दे या ना दे। जितने भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जितनी कारपोरेशनें थी, वो सारी की सारी तो अंबानी को जा रही है। किसको जा रही है? सारी बैंकें प्राइवेटाइज होती जा रही है, नौकरी रही कहाँ है? रिजर्वेशन तो सिर्फ अब एक नीचा दिखाने के लिए। आज सवेरे में एक व्हाट्सएप के ऊपर, एक तमिलनाडु की एक कोई जाति है, कल उन्होंने लाखों की गिनती में रोड के ऊपर धरना दिया है, जुलूस निकाला है कि हमें एससी कम्युनिटी के लोगों में
डाला हुआ है, हमें रिजर्वेशन दी हुई है। हम रिजर्वेशन नहीं चाहते, हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं। हमारी रिजर्वेशन खत्म कर दो, क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पे अब कुछ मिल नहीं रहा। सिर्फ एक स्टिग्मा लगाने के लिए कि इनको तो भाई इस जाति का। प्रधान जी ने शुरू में बात बोली थी, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई एसएसपी अभी जिले में पहुंचता नहीं है, उसकी जाति का नाम पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसके नाम के साथ सम्मान नहीं है, उसकी जाति के तौर पे उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए तू एससी है, तू ब्राह्मण है, तू क्रिश्चियन है, वो दिखाने के लिए उसको पहले दिन से जीवित करा जाता है। तो दोस्तों मुद्दे बहुत है, और हमारा समाज कोई छोटा समाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ समाज है। सारी समस्याएं हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया की जो हमारे समाज के अंदर ना पाई जा, चाहे वो नशा की हो, जुआ खेलने की हो, घटिया काम करने की हो, भूखे, जो भी गंदे काम है, सारे कुरीतियां पाई जा रही हैं। पर एक मुद्दे से, एक एक्ट से खत्म नहीं हो सकता। हमें मल्टी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। हम सोचे कि हम एक वन पॉइंट एजेंडा बना के काम करवा लेंगे, नहीं। अगर कोई भाई एजुकेशन में काम करता है बहुत अच्छा है, भाई साहब ने बताया कि स्पोर्ट्स पर्सनों को जोड़ेंगे साथ में, बहुत अच्छी बात है। इन भाई साहब ने 18 बच्चों को गोद लेने की बात बोली है, बहुत एक आंखें खोलने वाली, दिशा देने वाली, समाज में बहुत बड़ा काम है इनका। ऐसे ही हमें हर किसी को, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आए हुए लोग हैं, हमें सभी स्टेटों में जैसा भी माहौल है, जैसा भी कोई काम कर सकता है, वो काम करने की जरूरत है। क्योंकि समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको जुड़ना भी है, धक्का लगा के और आगे बढ़ाना है। एक वन पॉइंट एजेंडा नहीं चल सकता, मल्टी डायरेक्शन, मल्टी डायमेंशन काम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई कम से कम रोजी रोटी, अपना पेट पालने लायक हो जाए। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप तो 10वीं पढ़ ली है, प्लस टू कर ली है, नौकरी की बजाय बिजनेस के लिए सोचना शुरू कर। पिछले हफ्ते दिल्ली के लेबर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके घर में डिक्की वालों के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, जो दिल्ली में डिक्की वाले हैं, उनको मैं यही कहा कि भाई अब आप थोड़ी सोच बदलिए, आप स्कूलों में जाओ, जो प्लस टू के बच्चे उनको एजुकेट करो कि बेटा अगले साल या अगले महीने तूने प्लस टू करके घर से निकल जाना है, स्कूल से निकल जाना बाहर। उस समय आपको जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे, मैक्सिमम बच्चे घरों में बैठ जाते हैं। उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की लोड़ है कि बेटा तेरे लिए बहुत रास्ते खुलते हैं। एक दूसरे साइकिल पंचर की बात करी थी, बिल्कुल सही बात है। अगर मोदी जी पकौड़ा बनाने की बात कर सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों को कह सकते हैं, बेटा पकौड़े भी बना, पंचर भी खो, लकड़ी का काम भी कर, कारपेंटर का काम कर, मेस का काम कर, ढंग से कर, सीख, अपने नाम पे कंपनियां खोलो, बिजनेस खोलो। ये हमें जरूरत है आज बताने की। पे बैक टू सोसाइटी का एक रूप ये भी हो सकता है, हम बच्चों को पढ़ाने की, आईएएस की कोचिंग की बात करते हैं, जरूर करनी चाहिए, आगे आने चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में और सेक्टरों में आगे बढ़ना चाहिए। पर मेजॉरिटी हमारे लोगों की रह जाती है देहातों में, खेत गांव में, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, निशेड़ी बढ़ जाते, शादी हो जाती है, उसके बाद उनको मिलने जाते पहचाने नहीं जाते। उनको जरूरत है प्लस टू में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टेंथ में पढ़ रहे होते हैं, कि हम उनको एजुकेट करें कि बेटा जरूरी नहीं कि तेरे क्लास वन नौकरी के लिए तैयारी करे या गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करे, आपको अपने इस लाइन में भी आपको तैयारी करनी है।